हैं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है। डिंपल यादव ये कह रही हैं कि तिरुपति प्रसाद मिलावट की तरह वृंदावन से भी कुछ ऐसी खबरें सुनने में आई हैं। वृंदावन में सही खोए का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वृंदावन के खोए में मिलावट हो रही है। ये बात डिंपल यादव कह रही है। मिलावट पर फूड विभाग को देखना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। यादव के बयान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि तिरुपति में लड्डू विवाद के बाद अब वृंदावन वन में भी ऐसे सवाल उठाना, उसमें सीधा सीधा सवाल ये उठा है कि क्या वृंदावन धाम का प्रसाद शुद्ध नहीं है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वृंदावन का जो प्रसाद वहां पर आप जाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं क्या वो भी शुद्ध नहीं है, क्या वृंदावन का प्रसाद जो है उसमें तिरुपति वाला खेल चल रहा है, ये भी सवाल है। क्या वृंदावन के प्रसाद में भी जानवरों की चर्बी होने की बात है, क्या वृंदावन के प्रसाद में मछली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है और क्या वृंदावन में भी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मनीष यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनीष, अभी तक तिरुपति में लड्डू विवाद थमा भी नहीं है, अब वृंदावन को लेकर के ये बड़ा दावा डिंपल यादव ने किया है। देखिए बिल्कुल, मैनपुरी के जो सांसद हैं जब उनसे सवाल तिरुपति का किया गया था तो उन्होंने इस बात को कहा कि वृंदावन में भी इस तरह की पहले कई बार बातें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सरकारों का जिम्मा है कि अगर ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा मसला है तो इसमें गंभीरता दिखाएं। फूड अल्ट्रेशन डिपार्टमेंट की नाकामी रही है कि जब सैंपल लेने चाहिए होते हैं धार्मिक जगहों के वो सैंपल नहीं लेता है जिसके चलते इस तरह की बातें और चीजें बढ़ जाती हैं। तो डिंपल यादव ने सवाल खड़ा किया है कि वृंदावन मामले में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, मिलावटी सामान लोगों तक न पहुंचे, आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है तो सरकार इस बात का ख्याल रखे। और स्वदेश में केवल वृंदावन जिसका मसला डिंपल यादव ने उठाया उतना ही नहीं बल्कि मनकामेश्वर मंदिर जो कि लखनऊ में मौजूद है वहां बाहर की गुजरात लाने पर रोक लगा दी गई है। तो इस तरह की अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें सामने आ रही है, अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही है जहां प्रसाद को लेकर जो विवाद है उसको लेकर मंदिर प्रशासन सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है। जी शुक्रिया आपका मनीष यादव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने